विनोद खन्ना की वो 9 सबसे बड़ी फिल्में जिनकी पहली पसंद कोई और थे। बॉलीवुड फिल्मों के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में शुमार होने वाले विनोद खन्ना साहब को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने जिस भी फिल्म में काम किया उसे अपने शानदार अभिनय और दमदार संवाद अदायगी से लाखों सिने प्रेमियों के दिलों में सदा के लिए अमर बना दिया। तकरीबन 152 फिल्मों में नजर आए विनोद खन्ना साहब के हर रोल को देखकर मुंह से बस यही निकलता है कि ये रोल तो बस इन्हीं के लिए बना था। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इनके करियर में 16 ऐसी फिल्में रही हैं जिनकी पहली पसंद कोई और अभिनेता थी। जी हाँ, आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इनकी इन्हीं 16 फिल्मों की बात करने वाले हैं। तो फिर चलो सब्सक्राइब करके वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1969 में आई इनकी डेब्यू फिल्म मन का मीत से, जिसमें वो एक नकारात्मक भूमिका में नजर आए थे। मशहूर अभिनेता सुनील दत्त ने ये फिल्म अपने छोटे भाई सोम दत्त को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी। सुनील दत्त जानते थे कि कोई भी हीरो तब तक दमदार नहीं लगता जब तक उसके विरुद्ध एक दमदार खलनायक नहीं खड़ा होता। अंततः साहब ने ये जिम्मेदारी उन दिनों के मशहूर खलनायक मनमोहन साहब को दे दी। मनमोहन जो कि उन दिनों खासे व्यस्त चल रहे थे, अतः उन्होंने इस रोल के लिए विनोद खन्ना का नाम सुझाया। पर जब सुनील दत्त लंबे चौड़े और हैंडसम विनोद खन्ना से मिले तो उन्हें भी उनका व्यक्तित्व बहुत ही पसंद आया और अपनी फिल्म के लिए उन्हें चुन लिया। विनोद खन्ना की तरह ही इस फिल्म के अन्य कलाकार जैसे सोम दत्त, लीना चंदावरकर और रंजीत आदि की भी डेब्यू फिल्म रही। बताते चलें कि ना तो ये फिल्म सफल रही और ना ही सुनील दत्त अपने भाई सोम दत्त को बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर पाए। लेकिन इस फिल्म ने विनोद खन्ना के करियर को एक नई दिशा दे दी और इन्हें कई अच्छी फिल्में दिलवाई, जिनमें साल 1971 में आई गुलजार साहब की मेरे अपने भी शामिल है। गुलजार साहब इस फिल्म के लिए शुरू में संजीव कुमार और राजेश खन्ना को लेना चाहते थे, लेकिन दोनों ने ही इसे एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कहकर करने से मना कर दिया। ऐसे में गुलजार साहब ने फिल्म के प्रोड्यूसर SSP को विनोद खन्ना का नाम सुझाया और अपने साथ बॉम्बे के इंपीरियल सिनेमा में ले गए, जहां फिर मन का मीत चल रही थी। फिल्म के इंटरवल तक विनोद खन्ना के अभिनय के वो मुरीद हो गए और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इस फिल्म के लिए अंतिम रूप में उन्हें चुना गया। अब यहां से चलते हैं साल 1974 की तरफ, जहां विनोद खन्ना प्रकाश मेहरा की फिल्म हाथ की सफाई में एक सहायक भूमिका निभाते हुए दिखे। इसके मुख्य नायक और नायिका रणधीर कपूर और हेमा मालिनी थे। कहा जाता है कि प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म की लेखक जोड़ी सलीम जावेद से कहा था कि विनोद खन्ना वाली भूमिका में महेंद्र संधू को ले ले। पर जब दोनों ने फिल्म की कहानी संधू साहब को सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में सेकंड लीड रोल के तौर पर काम नहीं करता, लेकिन जब आप जोर दे रहे हैं तो मैं इसे एक शर्त पर करूंगा, यदि मुझे रणधीर कपूर और हेमा मालिनी से अधिक फीस दी जाए। प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद को संधू साहब की यह शर्त नागवार गुजरी और उन्होंने इसके लिए विनोद खन्ना को साइन कर लिया। इस फिल्म को लेकर छपी उस दौर की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें विनोद खन्ना वाली भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा और नवीन निश्चल को ऑफर की गई थी, लेकिन दोनों ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि वो रणधीर कपूर की फिल्म में सेकंड लीड के तौर पर काम नहीं करना चाहते। बात करें इसके अगले साल 1975 में आई राज खोसला के मशहूर फिल्म प्रेम कहानी की, तो इसमें विनोद खन्ना पठान ट्रक ड्राइवर की छोटी सी भूमिका में नजर आए थे, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा भी था। विनोद खन्ना को ये भूमिका कैसे मिली इसको लेकर भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। दरअसल कुछ हुआ यूं था कि जब विनोद खन्ना को पता चला कि राज खोसला प्रेम कहानी नामक कोई फिल्म बना रहे हैं, तो वो सीधे खोसला साहब से मिलने पहुंच गए
विनोद खन्ना इससे पहले राज खोसला की दो ही कामयाब फिल्मों यानी कि मेरा गांव मेरा देश और कच्चे धागे में काम कर चुके थे और इस दौरान दोनों में काफी अच्छी मित्रता भी हो गई थी। इसी नाते विनोद खन्ना ने खोसला साहब से हक जताते हुए कहा कि आपने मुझे इस फिल्म में काम क्यों नहीं दिया। इस पर झेपते हुए खोसला साहब ने कहा कि फिल्म के दोनों नायक की भूमिका राजेश खन्ना और शशि कपूर को दी जा चुकी है, अतः आपके लिए इसमें कोई खास रोल बचा नहीं है। उस दिन विनोद खन्ना तो लौट आए, लेकिन जल्द ही उन्हें खबर मिली कि फिल्म में पठान ट्रक ड्राइवर की छोटी सी भूमिका है जो उनके लिए है। इसे फिरोज खान को ऑफर किया गया था, लेकिन वो अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के चलते अफगानिस्तान में व्यस्त हैं, जिस कारण फिल्म प्रेम कहानी की शूटिंग अटकी पड़ी है। इस तरह मौके की नजाकत को देखते हुए विनोद खन्ना एक बार फिर से राज खोसला से मिले, जिसका परिणाम ये निकला कि उन्हें पठान ट्रक ड्राइवर की भूमिका में अंतिम रूप से चुन लिया गया। बात करें साल 1976 में आई अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की बहुचर्चित फिल्म हेरा फेरी की, तो प्रकाश मेहरा शुरू में ये फिल्म फिरोज खान और अमिताभ बच्चन को लेकर बनाना चाहते थे और दोनों ने ही इस फिल्म को लेकर हामी भर दी थी, लेकिन प्रकाश मेहरा की शर्त थी कि फिल्म की शूटिंग रविवार के दिन भी जारी रहेगी, जो कि फिरोज खान को नापसंद आई थी। दरअसल फिरोज खान ने ये नियम अपने जीवन में सख्ती से लागू कर रखा था कि वो किसी भी हाल में रविवार के दिन काम नहीं करेंगे, और जब फिरोज खान ने फिल्म छोड़ दी तो इसमें एक बदलाव के साथ विनोद खन्ना की एंट्री हुई। ये बदलाव ऐसे थे कि फिरोज खान के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका अमिताभ बच्चन को दे दी गई और अमिताभ वाली भूमिका में विनोद खन्ना को साइन किया गया। अब चलते चलते साल 1978 में आई फिल्म यानी प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और रणधीर कपूर तथा विनोद खन्ना द्वारा अभिनीत एक और फिल्म आखिरी डाकू की तरफ बात कर लेते हैं। इस फिल्म को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि इसमें विनोद खन्ना के द्वारा निभाई गई मंगल सिंह की भूमिका पहले उन्हें ऑफर की गई थी, लेकिन भूमिका पसंद न आने के चलते उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। अगले साल 1979 में आई फिल्म मीरा की बात करें तो फिर पहले क्रमशः संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन को ये फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन दोनों ने ही इसे हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म बताकर नकार दिया था। इसके बाद फिल्म के निर्देशक गुलजार साहब ने उस दौर के कुछ अन्य अभिनेताओं को भी इसमें साइन करने की काफी कोशिश की, लेकिन सबने उन्हें मना कर दिया। ऐसे में गुलजार साहब अपनी व्यथा लेकर विनोद खन्ना से मिले, जो कि बिना रोल को सुने ही फिल्म के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो मेरी अपनी फिल्म के दौरान गुलजार साहब के द्वारा किए गए उपकार को भूले नहीं थे। अब बात करते हैं साल 1980 में आई उस साल की सबसे कामयाब फिल्म कुर्बानी की, तो फिल्म के निर्माता निर्देशक फिरोज खान इसमें अमर की भूमिका में अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन अमिताभ उन दिनों शान दोस्ताना और राम बलराम सरी की कई फिल्मों में अत्यंत ही व्यस्त थे, इसीलिए चाहकर भी इस फिल्म को नहीं कर पाए। इसके दो साल बाद सन 1982 में फिल्म राजपूत को लेकर कहा जाता है कि साल 1978 में जब ये फिल्म बननी शुरू हुई थी, उस वक्त इसके निर्देशक गोल्डी आनंद इसमें धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन इस बार भी अमिताभ की व्यस्तता ही आड़े आई और अंत में फिल्म विनोद खन्ना के हिस्से में चली गई। बात करें साल 1988 में फिरोज खान के निर्देशन में बनी बहुचर्चित फिल्म दयावान की, तो 10 लाख रुपए देकर जब इसके ओरिजिनल तमिल फिल्म नायकन के हिंदी रीमेक के राइट्स खरीदे, तो शुरू में इसके मुख्य नायक की भूमिका वो स्वयं करना चाहते थे, लेकिन अंत में ये सोचकर वो सहम गए कि इसमें हद से ज्यादा इंटीमेट सीन्स होने वाले हैं, जिसके लिए वो काफी उम्र दराज लगेंगे।
अतः उन्होंने एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त विनोद खन्ना को ले लिया, जो कि ओशो आश्रम से मोह भंग होने के बाद एक बार फिर से फिल्मों में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे थे। अब बात करते हैं साल 1992 में आई विनोद खन्ना की दो फिल्मों के बारे में, मार्ग तथा पुलिस और मुजरिम की। तो मार्ग फिल्म की पहली पसंद जैकी श्रॉफ थे और पुलिस और मुजरिम के लिए शुरू में मिथुन चक्रवर्ती को लिए जाने का तय हुआ था। इसके अगले ही साल 1993 में आई जेपी दत्ता की मल्टी स्टारर फिल्म क्षत्रिय में विनोद खन्ना के द्वारा निभाई गई राजा जसवंत सिंह की भूमिका शुरू में अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई थी। इसी साल आई फिल्म परंपरा क्रमशः अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और ऋषि कपूर के मना करने के बाद ही विनोद खन्ना के पास आई थी। बात करें साल 1994 में आई फिल्म ईना मीना डीका की, तो इसमें विनोद खन्ना के द्वारा निभाई गई डीका की भूमिका पहले सुनील शेट्टी को देने का विचार किया गया था, लेकिन बाद में मेकर्स ने सोचा कि सुनील शेट्टी की सिनेमाई छवि इसमें ऐसी नहीं है जिसको लेकर फिल्म में ये दिखाया जा सके कि ऋषि कपूर का किरदार उनसे डरता हो। वीडियो के अंत में हम जिक्र करना चाहेंगे साल 2009 में आई फिल्म फास्ट फॉरवर्ड की, जिसमें खन्ना साहब पलाश नामक एक व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। बताता चलूं कि विनोद खन्ना से पहले ये भूमिका मिथुन चक्रवर्ती को ऑफर हुई थी, जो कि फिल्म को इस शर्त पर करने के लिए तैयार हुए थे कि इसमें उनके बेटे मिमोह चक्रवर्ती को भी लिया जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने फिल्म को ही छोड़ दिया। वैसे विनोद खन्ना को आप बतौर अभिनेता 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।